मेमोरी कॉन्सेप्ट पे हम बात पे थे, वेरिएबल्स पे। एवरी वेरिएबल हैज अ नेम, टाइप, साइज, इसके ऊपर हम बात कर चुके थे, और इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। अच्छा, जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल के अंदर हम जब कोई एक वैल्यू स्टोर करते हैं, और अगर हम उस वैल्यू के अंदर कोई न्यू वैल्यू, उस वेरिएबल के अंदर कोई न्यू वैल्यू स्टोर करते हैं, तो पुरानी वैल्यू जो है लॉस्ट हो जाती है। क्या आप लोगों को इसका आइडिया है? कभी आप लोगों ने इसके ऊपर कुछ चेक करके देखा है इसको? ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पहले कभी पहले प्रोग्रामिंग करी है, तो उसमें आप लोगों को ये चीज फील हुई होगी कि वेरिएबल्स के अंदर जो डाटा होता है, अगर हम उसमें न्यू डाटा रखते हैं, तो पुराना डाटा जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे मेमोरी की लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वेरिएबल और उनकी वैल्यूज बताई गई। अब इसमें क्या बता रहा है आपको ये कि एक आपने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया नंबर वन के नाम से, ठीक है। ये किसी ना किसी मेमोरी की लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, और ये मेमोरी की लोकेशन है। अब आप चाहें, आपने क्योंकि एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाया है, तो अब इट डिपेंड अपॉन यू कि आप जो है वो इसके अंदर इंट की कौन सी वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 45 स्टोर हुई हुई है, ठीक है। इसी तरह से मेमोरी लोकेशन शोइंग द नेम एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वन, ठीक है। इस वेरिएबल का नाम क्या है? नंबर वन, और मेमोरी की लोकेशन जहां पर ये वैल्यू स्टोर हुई है 45। आगे वो बता रहा है कि मेमोरी की लोकेशन आफ्टर स्टोरिंग वैल्यू ऑफ नंबर वन एंड नंबर टू, तो नंबर वन यहाँ पे स्टोर हो गया, नंबर टू यहाँ पे स्टोर हो गया। अब क्या कह रहा है कि मेमोरी लोकेशन थर्ड जो है वो हमारे पास कौन सी है? सम। तो इन दोनों का सम जो है वो हमने कहाँ पे स्टोर कर दिया? 117 के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है हमारे पास? एस्टेरिक्स जो है वो हमारे पास किस लिए यूज होता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। परसेंट का साइन जो है वो हमारे पास यूज होता है रिमाइंडर ऑपरेटर के लिए। मॉड्यूलस जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर, के मॉड्यूलस जो है वो आपका आपको रिमाइंडर ला के दे रहा होता है। जब आप किसी भी अगर 5 मॉड्यूलस 2 करते हैं, तो आपके पास जो रिमाइंडर आता है वो 1 आता है, ठीक है। अगर मैं 5 आपको अगर याद हो, 5 mod 2, तो आंसर जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 1 रिमाइंडर बचा आपके पास। यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? मॉड्यूलस ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं, या रिमाइंडर ऑपरेटर भी इसको कहा जाता है, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स बिकॉज दे ईच ऑपरेट ऑन टू ऑपरेंड। बाइनरी का मतलब है कि दो ऑपरेटर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और दोनों ऑपरेटर में या तो प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या डिवाइड हो रहे हैं, या फिर मॉड्यूलस हो रहे हैं। एंटीजर डिवीजन यील्ड्स एन एंटीजर कोशेंट, यानी कि अगर कोई एंटीजर आप डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो कोशेंट जो बचेगा वो भी आपके पास एंटीजर ही बचेगा। एनी फंक्शनल पार्ट इज एंटीजर डिवीजन इज सिंपली डिस्कार्डेड, द रिमाइंडर ऑपरेटर यील्ड द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, ठीक होगा। अच्छा, अब आप देखें, अगर मैं 5 / 2 करता हूँ, और ये दोनों जो हैं ये इंट इंट टाइप के हैं दोनों, ठीक है। 5 / 2 में आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? क्या आएगा? 1.5 आएगा ना कोशेंट, ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन अगर आप एंटीजर वैल्यू यूज करते हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि जो 0.5 है इज, ये जो 0.5 है आपके पास, 0.5 इज discarded, ठीक है। Why? Because of integer division. हम कुछ और भी ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 7 / 2 करूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास? 3 आएगा, 3.5 नहीं आएगा।
नहीं ऐसा नहीं है, ओ हाँ ठीक है सॉरी, 5/2 2.5 होगा, गुड। हाँ तो अगर मैं, सही है, अगर मेरे पास इंटीजर वैल्यू है 5/2 तो मेरे पास 2 आएगा, ठीक है, और 5 जो है वो ट्रंकेट हो जाएगा, ठीक है, 0.5 इंटीजर में। कोई बच्चा अगर मुझे बताना चाहे कि अगर मुझे ऐसी वैल्यू प्रिंट, ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो एग्जैक्ट डेसिमल पॉइंट में रिजल्ट आए, तो मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा? वेरी गुड। अच्छा उसके बाद हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, एडिशन है, सब्स्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, तो नो हाउ वी कैन यूज, अच्छा बोथ, विच बोथ वलीद, बोथ कैसे यूज हो सकते हैं? बोथ में आप क्या क्या कह रहे हैं, फ्लोट और, अच्छा फ्लोट एंड डबल, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। अच्छा एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और रिमाइंडर के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो ये ऑपरेटर्स हैं, और हम इनको इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, दीस कॉल्स आर एक्सप्रेशंस, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, फिर हम उनको जावा एक्सप्रेशन में ऐसे लिखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे ही लिखा हुआ है जैसे कि आप सी और सी प्लस प्लस के अंदर इनको लिखते हैं, सेम वही आपके पास प्रोसीजर है इनको लिखने का, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन मस्ट बी रिटन इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द फैसिलिटेट एंटरटेनिंग एंट्री प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर। एक्सप्रेशन के बारे में ये बता रहा है कि जैसे सच एज ए डिवाइडेड बाय बी मस्ट बी रिटन एज ए डिवाइड बाय बी, यानी कि ए ऑब्लिक बी, सो दैट ऑल कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स अपेयर इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है सब स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, ये जो लिखने का तरीकेकार यहां बता रहा है एक्सप्रेशन का। पैरेंथेसिस आर यूज्ड टू ग्रुप टर्म्स इन एक्सप्रेशन द सेम मैनर, अगर कुछ आप ग्रुप करना चाह रहे हैं किसी चीज को तो आप पैरेंथेसिस यूज करें, पैरेंथेसिस का हमारे प्रोग्राम के ऊपर कोई लोड नहीं पड़ता, ठीक है, तो आप जितनी चाहें पैरेंथेसिस आप यूज कर सकते हैं, नेस्टेड पैरेंथेसिस भी आप यूज कर सकते हैं। इफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स नेस्टेड पैरेंथेसिस द एक्सप्रेशन इज द इनर मोस्ट सेट ऑफ पैरेंथेसिस एवेल्यूएटेड फर्स्ट, तो ये एक चीज इसमें ये बता रहा है कि जो जितनी नेस्टेड पैरेंथेसिस होंगी उनको वो पहले सॉल्व करेगा और आउटर पैरेंथेसिस को बाद में सॉल्व करेगा। अब प्रेसिडेंस की बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंस किसकी सबसे ज्यादा है, आपके पास सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस प्लस की है, माइनस की है, डिविजन की है या पैरेंथेसिस की है? ओके नेस्टेड पैरेंथेसिस मैं भी बता देता हूँ आपको, अभी एक बच्चे का सवाल है कि व्हाट इज नेस्टेड पैरेंथेसिस, नेस्टेड पैरेंथेसिस बेटा ये होती है एक्स प्लस फाइव, सपोज इसमें फोर फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन, कोई मल्टीप्लाई भी कर दो भाई, डिवाइडेड ठीक है। ये जो अंदर वाली है ना ये नेस्टेड पैरेंथेसिस है, ये तो आउटर पैरेंथेसिस है, ये वाली ये आउटेड है, आउटर है, और इसके अंदर जो है ये वाली पैरेंथेसिस है, ये फिर इसके अंदर ये, ठीक है पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस, तो पहले इनर पैरेंथेसिस वगैरह के जो नेस्टेड है उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंस क्या है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन डिविजन एंड रिमाइंडर ऑपरेटर आज अप्लाइड फर्स्ट, ये प्रेसिडेंस है, यानी कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होगी, डिवीजन होगी, फिर रिमाइंडर होगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, फिर उसके बाद इफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स सेवरल सच ऑपरेशन दे आर अप्लाइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
फिर उसके बाद जो ऑपरेशन है वो लेफ्ट टू राइट में परफॉर्म होंगे, यानी कि जो भी लेफ्ट साइड में पहले आया होगा वो वाला एक्सप्रेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर ऑपरेटर की जो है ना वो सेम लेवल है प्रेसिडेंस का। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑपरेशंस आर अप्लाइड नेक्स्ट, वो उसके बाद होंगे, ठीक है। एन एक्सप्रेशन कंटेन्स सेवरल सच ऑपरेशंस, द ऑपरेटर्स आर अप्लाइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वही जो मैंने भी बताया कि लेफ्ट टू राइट परफॉर्म होंगे। एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर हैव द सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस, बार बार क्यों लिख रहे हैं भाई। व्हेन वी से दैट ऑपरेटर्स आर अप्लाइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी आर रेफरिंग टू द associativity. Some operator associate from right to left. Complete precedence chart is included. ये नीचे यहाँ पे ये आपके पास precedence दिया हुआ पूरा उसमें, ठीक है, ये वाली बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा हम यहाँ देख लेते हैं, तो operators हमारे पास कौन कौन से हैं। Asteric है जिसको multiply कह रहे हैं, फिर division है, यानी कि precedence level इन तीनों का same है। सबसे पहले हम अपने एक expression के अंदर जो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, एक जावा प्रोग्राम इनको सॉल्व करता है सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रिमाइंडर को, फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन को, और आखिर में असाइन करता है वैल्यू को, ठीक है। अब आपको ये भी पता चल रहा होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्यों यूज हो रहा होता है और वो क्या चीज असाइन कर रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास बता रहा है ऑर्डर इन विच अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इज एवेल्युएटेड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, स्टेप वन में क्या है, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7, तो लेफ्ट मोस्ट मल्टीप्लीकेशन। तो लेफ्ट मोस्ट मल्टीप्लीकेशन क्या हुई, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10, तो 10 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्ट मोस्ट मल्टीप्लीकेशन क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 तो क्या है आपके पास 50 आ गया। फिर उसके बाद लेफ्ट मोस्ट मल्टीप्लीकेशन क्या है आपके पास 3, देखिए प्लस नहीं कर रहा वो, पहले मल्टीप्लाई कर रहा है, क्यों क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो उसने क्या किया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15। फिर अब क्या, अगर लेफ्ट मोस्ट एडिशन, तो लेफ्ट मोस्ट एडिशन क्या है 15 प्लस 50 प्लस 15 तो 65 आ गया, फिर क्या 7 आ गया। एवरीवन इज क्लियर, एज इन अलजेब्रा इट्स एक्सेप्टेबल टू प्लेस रिडंडेंट पैरेंथेसिस अननेसेसरी पैरेंथेसिस इन एन एक्सप्रेशन टू मेक द एक्सप्रेशन क्लियर। तो आप जितनी चाहे पैरेंथेसिस लगा सकते हैं, ठीक है, जितनी चाहे पैरेंथेसिस आप चाहे लगा सकते हैं, ना तो प्रोग्रामिंग में आपके कोई लोड पड़ेगा ना आपके अलजेब्रा में कहीं लोड पड़ता है, ठीक है। ये आपको मैथमेटिशियन भी यही कह रहा है। फिर उसके बाद आपके पास कंडीशन, एन एक्सप्रेशन दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स, कोई एक्सप्रेशन या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, तो वो हमारे पास कंडीशन कहलाती है। If selection statement allow a program to make a decision based on a condition's value, जो भी condition है उसकी base के ऊपर जो है वो decision लेगा, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा statement होता है, if का statement हम use कर रहे होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने programming fundamental में ही पढ़ा होगा, equality operator है हमारे पास, Java के अंदर जो equality operator के लिए use होता है वो double equal का sign use होता है, ठीक है। तो this is called equality operator, and ये जो नॉट इक्वल के लिए यूज होता है वो आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड द नॉट इक्वल ऑपरेटर, दिस इज इक्वालिटी ऑपरेटर, इक्वालिटी इक्वल ऑपरेटर, दिस इज अ नॉट इक्वल। रिलेशन ऑपरेटर कौन कौन से हमारे पास, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, एंड लेस देन इज इक्वल टू, ठीक है। बोथ इक्वालिटी ऑपरेटर हैव द सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस, इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम है दोनों की, ठीक है। विच इज लोअर देन दैट ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर, the equality operator associated from left to right, ye bhi wohi same as the left to right hai, aur relation operator have the same level of precedence and also associate from left to most, wohi same wohi wali upar wali baatein ki jo left to right joining ki wo hai associativity hai. ye hamare paas standard algebraic aur relational operators hai hamare paas, theek hai. fir java equality ke iske accordingly java ke andar jo ऑपरेटर यूज होते हैं, जैसे इक्वालिटी ऑपरेटर में इस यहाँ पे अलजेब्रा में यूज होता है इक्वल, और यहाँ पे डबल इक्वल, यहाँ नॉट इक्वल के लिए ये और यहाँ पे नॉट इक्वल के लिए ये, रिलेशनल में वो जावा में बाहर अलजेब्रा में ऐसे और जावा में ऐसे, और ये इनका सिंपल कंडीशन बताई हुई है और मीनिंग बताई हुई है इसकी, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक पहला प्रोग्राम है क्लास, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, हम इसमें एक
एक कंपैरिजन का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। देखिए हमारे इस चैप्टर का नाम भी ये है कि जावा एप्लीकेशन। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एक प्रोग्राम लिखने के लिए जा रहे हैं जिसका काम क्या है कि वो नंबर्स को कंपेयर करेगा। तो हमने एक प्रोग्राम लिखा पब्लिक क्लास कंपैरिजन, मेन का मेथड लिखा, स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर इनपुट, हमने क्या किया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका, स्कैनर क्लास का, और रेफरेंस वेरिएबल को असाइन कर दिया। फिर दो दो वैल्यूज लिए, दो नंबर इंट वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फर्स्ट इंटर फर्स्ट एंटीजर। तो फर्स्ट एंटीजर अब इंटर किया तो नंबर वन इनपुट, जो भी यूजर ने पहली वैल्यू इनपुट करी वो हमने क्या किया नंबर में स्टोर करवा ली। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जो हमने दूसरी दफा प्रॉम्प्ट किया और जो यूजर की वैल्यू थी वो हमने स्टोर करवा ली टू के अंदर। फिर अब इनको हम कंपेयर कर रहे हैं, हाउ इफ नंबर वन इज इक्वल टू नंबर टू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ परसेंट डी इज इक्वल टू परसेंट डी नंबर वन नंबर टू। अगर तो नंबर वन नंबर टू के बराबर है तो क्या प्रिंट कर दो कि नंबर वन इज इक्वल टू नंबर टू, ठीक हो गया। और ये देखें ये परसेंट डी और परसेंट डी जो है ये आपके पास कैसे प्रिंट होंगे, ये क्या है फॉर्मेट स्पेसिफाइज है एक इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारे पास, अगर नॉट इक्वल तो देन प्रिंट ये, इफ नंबर वन इज लेस देन टू नंबर टू देन प्रिंट दिस, इफ नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू देन प्रिंट दिस, इफ नंबर वन ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी नंबर वन इज लेस देन एंड इक्वल टू नंबर टू, वैसे इसको यहां से पढ़ते हैं कि नंबर टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नंबर वन, तो आप ये प्रिंट करेंगे। इफ नंबर वन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नंबर टू, तो आप ये प्रिंट करेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है कि हम ये कंपेयर कर रहे हैं दो नंबर को, ठीक हो गया। तो ये रिजल्ट हमारे पास जनरेट हो गया, इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकंड नंबर। तो ये क्या बता रहा है, ये आपको सारे रिजल्ट जनरेट करके बता रहा है, लेकिन सारे नंबर कैसे जनरेट करके दिए इसने, क्योंकि सारे इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, डन हो गया। अच्छा अब हम इसको प्रोग्राम को भी कर लेते हैं, पहले हम ये खत्म कर ले, हमारी थोड़ी सी स्लाइड रह गई, इसके बाद हम प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं अपना। एंड इफ स्टेटमेंट ऑलवेज बिगिन विद कीवर्ड इफ फॉलोड बाय अ कंडीशन इन पैरेंथेसिस, ठीक है। जैसे इसने यहाँ पे बताया कि एक इफ का स्टेटमेंट इफ के कीवर्ड से स्टार्ट होता है और फॉलोड यानी कि उसके बाद जो है वो इसकी पैरेंथेसिस होती है, इफ के ब्लॉक की पैरेंथेसिस है जिसके अंदर आप कंडीशन लिखते हैं, इफ की कंडीशन लिखे और कंडीशन आपने यहाँ पे लिखी हुई है, एक्सपेक्ट वन स्टेटमेंट इन इट्स बॉडी बट मे कंटेन मल्टीपल स्टेटमेंट इफ दे आर इनक्लोज इन अ सेट ऑफ ब्रेसेस। अगर बहुत सारी ब्रेसेस उसके अंदर तो वो मल्टीपल आपके पास क्या आ जाएंगे, स्टेटमेंट आ जाएंगे। द इंडेंटेशन ऑफ द बॉडी स्टेटमेंट वो आप उसको देख लेंगे, मैं बता देता हूँ आपको इंडेंटेशन क्या होती है। नोट दैट देयर इज नो सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच इफ स्टेटमेंट, ये इसकी बात कर रहा है। यहाँ पर देखें जो इफ का स्टेटमेंट के ये वाली जो ब्रेसेस है इसके बाद आप क्या है सेमीकोलन नहीं लगाते, ठीक है। देखें यहाँ पर भी नहीं लगा हुआ सेमीकोलन, आपका यहाँ लगा हुआ और ये इफ के ब्लॉक के अंदर लगा हुआ, ठीक हो गया। ट्रीटेड एज द एम्प्टी स्टेटमेंट सेमीकोलन बाय इटसेल्फ, ये क्या कह रहा है सेमीकोलन बाय इटसेल्फ। अच्छा वो ये कह रहा है कि अगर आप इसमें सेमीकोलन लगा देते हैं तो ये आपको ये एम्प्टी ट्रीट करेगा, ठीक है। अब आपके पास कॉमन प्रोग्रामिंग एरर क्या है, कंफ्यूजिंग द इक्वालिटी ऑपरेटर विद द असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है वो असाइनमेंट ऑपरेटर, जो इक्वालिटी ऑपरेटर है वो डबल इक्वल साइन होता है। कैन कॉज अ लॉजिक एरर सिंटैक्स एरर, द इक्वालिटी ऑपरेटर शुड बी रीड एज इज इक्वल टू एंड द असाइनमेंट ऑपरेटर इज गेट्स और गेट्स द वैल्यू ऑफ, तो ये आपने कंफ्यूजन जो है ना ये क्रिएट नहीं होने देनी। उसके बाद प्लेसिंग ओनली वन स्टेटमेंट पर लाइन इज अ प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्राम रीडेबिलिटी, ठीक है। फॉरन उसके बाद जो है ना आपने एरर आ जाएगा, तो मैंने अभी ऊपर बताया। देखिए अगर आप बहुत लंबा कोई कोड लिख रहे हैं, ये आपको प्रोग्रामिंग टिप दे रहा है एरर प्रिवेंशन, अगर आप कोई बहुत लंबा कोड लिख रहे हैं तो वो कह रहा है कि उसमें उसको सेवरल लाइन में स्प्रेड करें स्टेटमेंट्स को। जैसे एक इफ का स्टेटमेंट था उसको उसने हर हर देखे, मैं यहाँ बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखे इसने
हर एक स्टेटमेंट को जो है ना वो अलग अलग लाइन में लिखा हुआ है, ये वाली स्टेटमेंट ऊपर, फिर ब्रेक दिया, फिर ये स्टेटमेंट, फिर ब्रेक दिया, फिर ये स्टेटमेंट, फिर ब्रेक दिया, तो मुझे पढ़ने में आसानी हो रही है, समझने में आसानी हो रही है और आपको समझाने में भी आसानी हो रही है। ठीक है, व्हेन यू राइटिंग एक्सप्रेशन कंटेनिंग मेनी ऑपरेटर्स रेफर टू द ऑपरेटर प्रेसिडेंस चार्ट, वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंस चार्ट को आप जो है वो फॉलो करें, और ये प्रेसिडेंट एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स डिस्कस जो हुई है ऊपर, आपके पास ऑपरेटर ये हैं और इनकी एसोसिएटिविटी बताइए, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये वाला जो है ना सिर्फ एक राइट टू लेफ्ट है, बाकी सारे लेफ्ट टू राइट हैं, ये वैसे सारे ऑपरेटर हैं, ये भी ऑपरेटर है लेकिन ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है क्लास, ये तो थी हमारी ये चैप्टर टू हमारा यहाँ खत्म हो गया, और ये जो प्रोग्राम था इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। वो तमाम स्टूडेंट, अच्छा नौमान अली अटेंड नहीं कर रहे क्लास, ठीक है, जो सबसे ज्यादा सवाल कर रहे थे कि वो उनको प्रॉब्लम हो रही थी समझने में, तो मैंने कहा चले मैं शुरू से करवा देता हूँ। जी हसीब, जी हसीब, मैं ये कह रहा था सर आप अगर पूरा प्रोग्राम शुरू से बनाया था क्या मैं भी आसानी हो सर, क्योंकि मैंने जितने पहले असाइनमेंट जमा किए हैं सर उसमें मैंने ऑनलाइन सब कुछ किया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता सर ये कैसे, मतलब के वही मैं करने ही लगा था, डाउनलोड कर लिया, शुरू से करवाने लगा था लेकिन वो बच्चा ही चला गया, वो बेचारा जो बार बार जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। चले खैर मैं शुरू से करवा रहा हूँ, आप सब देख लें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा मैंने ये, अब मैं इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ बंद। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, अच्छा आप सबको ये नजर आ रहा है इंटेलिजेंट आइडिया, ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने ओपन करा एक इंटेलिजेंट आइडिया को, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद मैं क्या गया, फाइल में गया, न्यू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये मेरे पास ओपन होके आ गया, और इसको एज इट इज रहने दें, ना हम ग्रूवी पे काम कर रहे हैं ना हम कोटलिन पे काम कर रहे हैं, हम जावा पे काम कर रहे हैं, तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट, इसको भी एज इट इज छोड़ दें, टेम्पलेट से हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे आके अपना प्रोग्राम का नाम लिखें, तो आज हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, हम इसको, हम इसका नाम था कंपैरिजन, यही था ना, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास, अच्छा आप सबको मैं बता दूं कि क्लास का नाम जो है वो हमेशा आपने कैपिटल रखना है। जी वलीद, जी वलीद बेटा, वलीद आपका कोई सवाल था सर, वो विजुअल स्टूडियो पे कर सकते हैं ये काम। अरे असल में प्रॉब्लम ये है कि माइक्रोसॉफ्ट और जावा की बनती नहीं है आपस में, तो सपोर्ट देंगे नहीं आपको, अच्छी तो बेहतर ये है कि आप जो है ना वो जावा पे काम कर लें, ओ इंटेलिजेंट आइडिया पे काम कर लें। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास का, ये जिस नाम से, जिस नाम की आपने क्लास बनाएंगे ना उसी नाम का कोशिश करें कि जो मेन क्लास है आपकी, कोशिश करें कि उसी नाम का आप अपना पूरा प्रोजेक्ट भी बना ले। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कंपैरिजन। ठीक है, ये अभी मेरे ख्याल में सबके पास शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया, ये मेरे पास जो है ना कंपैरिजन का प्रोजेक्ट बन के आ गया। अब मैंने इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, सोर्स पे क्लिक किया, राइट, और अच्छा ये मेरे पास कुछ ऑप्शन आया तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिकली, यस। अच्छा मैं ये सोर्स पे गया, ये मेरे प्रोजेक्ट का फोल्डर है, और मैं इस प्रोजेक्ट के फोल्डर में, इस सोर्स फोल्डर पे गया, न्यू पे गया, मैंने यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट किया, ठीक है, और इसमें यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा
ठीक है, और पैकेज का नाम जो है वो आप स्मॉल में रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ये मेरा पैकेज बन के आ गया कंपैरिजन का। फिर मैंने इस पर ऐड क्लिक किया, जावा क्लास बनाई, ठीक है, कंपैरिजन की क्लास बनाई मैंने, ठीक है, सी फोर क्लास, ये जो सी बना हुआ है इसमें इस क्लास, ठीक है, कंपैरिजन के पैकेज के अंदर मैंने कंपैरिजन की क्लास बना ली। ये आपके पास ये बाय डिफॉल्ट ये लिखा हुआ गया, मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो मैंने यहाँ मेन का मेथड लिखा, सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक हो गया। ये इंडेंटेशन खुद आई है, मैंने नहीं दी इसको, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ रही है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक क्लास बनाई है कंपैरिजन की, उसके अंदर एक मेन का मेथड बनाया है और उसके अंदर हम स्कैनर की क्लास हमने यूज करी, इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर डॉट आई एन, ठीक है, ये हमने बना लिया। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, अगर नहीं समझ में आया तो काइंडली आप लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा। उसके बाद हमने वेरिएबल बनाया है नंबर वन का और नंबर टू का, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एस आउट, हम प्रिंट करके देखते हैं, एंटर अ फर्स्ट नंबर, कौन है भाई, क्या कह रहे हैं सर, ये वीडियो लाजमी शेयर कर दीजिएगा प्लीज। अरे जरूर बेटा, अच्छा ये हो गया हमारे पास सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। तो अब जो मैंने यूजर से क्या कहा, एंटर अ फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो उसके बाद अब मुझे क्या करना है, नंबर वन इज इक्वल टू इनपुट डॉट, जैसे आप डॉट लगाएंगे नेक्स्ट डॉट इंट, ओके। 10 मिनट्स रह गए हमारे पास मीटिंग खत्म होने में। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे गया और मैंने इस पे लिखा एंटर अ सेकंड नंबर, ये लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी, मेरी मसला नहीं है। उसके बाद मैंने लिया नंबर टू इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब ये क्या हुआ, मेरे पास दो वैल्यूज मैंने स्टोर करवा लिया अपने पास, ठीक हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे इफ का ब्लो स्टेटमेंट यूज करना था। इफ के स्टेटमेंट में क्या लगा रहा हूँ, नंबर वन इज इक्वल टू नंबर टू, तो क्या करो, प्रिंट कर दो प्रिंट एफ यूज किया है, तो हम वही यूज कर लेते हैं। इसने क्या यूज किया था, परसेंट डी कॉमा नंबर वन कॉमा नंबर टू, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हुआ है, पहली वैल्यू प्रिंट होके आई है। अब हम दूसरी कर देते हैं अपनी, दूसरी में क्या है, नंबर वन इज नॉट इक्वल टू नंबर टू, ठीक है, और इसमें क्या है हमारे पास, प्रिंट एफ कर देते हैं हम इसको, परसेंट डी इज नॉट इक्वल टू कॉमा नंबर वन कॉमा नंबर टू, ठीक है। इसको मैं एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे मेहनत कम करने के लिए हम क्या करते हैं, और हम यहाँ लिख देते हैं, फिर इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है क्लास, इसको रन करके देखते हैं हम, और इसको हम रन करते हैं
समझ तो हम चुके थे, यहाँ पे खाली मैंने लिख कर दिखाया आपको ताकि हम रन करके देख सकें इसको, ठीक है। और ये मैंने प्रोग्राम देखें, अच्छा मैं सॉरी रन करने का तरीका आपको बताना भूल गया, जो न्यू स्टूडेंट है देखें यहाँ तक हमने लिख लिया, अब तक देखें कोई एरर नहीं आया, अगर कोई एरर आएगा तो वो रेड मार्क होगा, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं इसको अगर मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है, बड़ा स्लो रन हो रहा है प्रोग्राम, सिर्फ 6 मिनट बचा हमारे पास। आई थिंक असल में मेरा लैपटॉप भी थोड़ा हीट कर रहा है तो उसकी वजह से शायद ये स्लो चल रहा है, ठीक है। ये देखें आगे मेरे पास एंटर फर्स्ट नंबर, लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये प्रोग्राम कैसे रन हुआ। ये लिखने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद रन कंपैरिजन डॉट मेन का फंक्शन, ठीक है, यहाँ कंट्रोल शिफ्ट F10 भी आप दबा सकते हैं। तो मैंने फिर रन पे क्लिक किया, स्टॉप एंड रन से मांग रहा है, वो पहले वाला जो चल रहा था उसको इसने रोका है। ये देखें नीचे बिल्ड आ रहा है, ये बिल्ड होगा, ये देखें बिल्ड चल रहा है, ये देखें फिनिश बिल्ड, और सबसे पहले क्या एंटर हुआ आपके पास, एंटर फर्स्ट नंबर। तो अगर मैं ऊपर जाऊं, ये नीचे मेरी आउटपुट विंडो है, अगर मैं ऊपर जाता हूं तो इसने मुझे क्या कहा, एंटर फर्स्ट नंबर, तो 23। अब ये मुझसे मांग रहा है, ये 23 इसने स्टोर कर दिया नंबर के अंदर, अब मुझसे ये मांग रहा है एंटर द सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर में दे देता हूं उसको 23, ठीक है। तो अब इसने मुझे क्या आंसर दे दिया कि 23 इज इक्वल टू 23। ओ हमने लिखने में थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम करी है, हमने न्यू लाइन का करेक्टर नहीं लगाया, तो हमें न्यू लाइन का करेक्टर लगाना चाहिए था। इसको हम दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे, न्यू लाइन स्लैश न्यू लाइन स्लैश न्यू लाइन स्लैश न्यू लाइन, ठीक है। तो अब ये जरा सही काम करेगा, दोबारा रन करके देख लेंगे। तो ये देखें इसको हम दोबारा रन कर लेते हैं, रन कंपैरिजन, ठीक है, एंटर अ फर्स्ट नंबर, मैं कर देता हूँ 455, फिर मैं करता हूँ 455। तो देखें आप देखें रिजल्ट आ गया, 455 इज इक्वल टू 455, 455 इज लेस देन इक्वल टू 455, 455 देखें नॉट इक्वल वाला नहीं आया, बाकी सारे आ गए, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा है नहीं है, सारे इक्वल हैं, तो ये वाला जो है ना, ये वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई, तो इस वजह से ये आया नहीं यहाँ पर, बाकी सब ट्रू हो गया, ठीक है। क्लास ये तो था हमारा लेक्चर